आज का हमारा लेक्चर वेरिएबल से टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन इससे पहले हो गया रिसर्च मेथेडोलॉजीज इस चैप्टर में हमने डिस्कस करी हैं अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो आपकी रिसर्च के लिए समझना जरूरी होता है आपके लिए और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है कभी डायरेक्टली एज इट इज जैसे वेरिएबल्स क्या होता है या हाइपोथिस क्या होता है डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस भी होते हैं ठीक है तो हम देखते हैं पहले वेरिएबल्स क्या होता है देखो वेरिएबल्स बेसिकली की कॉम्पोनेंट्स है आपकी रिसर्च के अब आप क्या मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको तो मेजर करना है कि एजुकेशन लेवल के बढ़ने या कम होने से इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है आपको ये इसमें करना है तो इसमें जो आपका एजुकेशन लेवल है और इनकम जो है वो आपके वेरिएबल्स है ठीक है तो वो आप बोल सकते हो एक एट्रीब्यूट्स जो आपकी रिसर्च में होते हैं जो आप कोई एक एट्रीब्यूट आप मैनिपुलेट करते हो उसको मेजर करते हो फिर दूसरे एट्रीब्यूट को देखते हो कि वो कहाँ तक आपको रिजल्ट शो कर रहा है उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं फाइन तो यहाँ पे देख ले, लेते हैं बुक में क्या लिखा है वेरिएबल्स वो पैरामीटर्स हैं जो वेरी करते हैं एज द सिचुएशन चेंजेस अगर हम फिर से ये एग्जाम्पल लें कि एजुकेशन लेवल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन वंस इनकम तो एजुकेशन लेवल जैसे ऊपर नीचे जाएगा वैसे ही आपकी जो इनकम है वो भी चेंज होती रहेगी तो जैसे सिचुएशन चेंज होगा वेरिएबल्स भी चेंज होंगे जो एग्जांपल मैंने कही उसमें इनकम लेवल और आपका जो एजुकेशन लेवल है वो दोनों वेरिएबल्स हैं तो बेसिकली आपकी रिसर्च में क्या करना होता है आपको यही वेरिएबल्स के बीच में जो को है वो आपको फाइंड करने की कोशिश करनी होती है हो और उससे आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हो तो फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन आप लिख सकते हो अर्ल आर बेबी ने इनको इसको डिफाइन किया

ऑफ एन एरिया वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं उनमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है कि पेरेंटल इनकम स्कूल्स अवेलेबल टीचर्स क्वालिटी कल्चर एसेट्रा ये सारी चीजें डिटर्मेंड करेगा आपका एजुकेशन लेवल तो इसमें जो एजुकेशन लेवल है वो क्या होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो डिपेंड करेगा इन सारी चीजों पर जो आपका इनडिपेंडेंट वेरिएबल है तो बेसिकली वेरिएबल्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका और एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वो वाला वेरिएबल है जिसको आप मैनिपुलेट करते हो दैट मीन जिसको आप चेंज करते हो और अकॉर्डिंगली आपका डिजायर्ड या अनडिजायर्ड जो भी चेंजेस होंगी वो आपकी शो करेंगी डिपेंडेंट वेरिएबल में ठीक है जैसे ये वाली एग्जाम्पल में पेरेंटल इनकम स्कूल अवेलेबल स्कूल अवेलेबल टीचर्स क्वालिटी कल्चरल वैल्यूज ये सारे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जैसे आप इनकी वैल्यू को मैनिपुलेट करोगे चेंज करोगे आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपको मेजर करना है जो यहाँ आपका एजुकेशन लेवल है वो चेंज हो जाएगा ठीक तो दो वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आप चेंज करते हो मैनिपुलेट करते हो उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वेरिएबल भी बोला जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल है जो फाइनली आपका आउटकम आप मेजर करोगे ठीक है तो इसको हम मेजर्ड वेरिएबल भी बोलते हैं फाइनली जिसका एक डिजायर्ड आउटकम आप मेजर करोगे जैसे इन सारी चीजों को आपने मैनिपुलेट किया उससे क्या आपको फाइनली मेजर करना है एजुकेशन लेवल पे क्या इम्पैक्ट आ गया ठीक है तो ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल मेजर एक्सपेरिमेंटल को हम बोलते हैं सॉरी इंडिपेंडेंट और मेजर्ड हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है और डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं देखो डिस्क्रीट क्या होगा एक कोई डेफिनेट नंबर होगा अगर आपकी को हो कोई ऐसी रिसर्च होगी जिसमें आपको कोई डेफिनेट फिक्स क्वांटिटी की जरूरत होगी फॉर एग्जांपल सिबलिंग्स फैमिली में कितने हैं उसमें आप ये तो नहीं बोल सकते ना दो तीन या टू पॉइंट फाइव कोई एक रेंज नहीं दे सकते या तो वन होगा या टू होगा या थ्री होगा फोर होगा एक फिक्स्ड एक डेफिनेट नंबर होगा वो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं जिसमें आप कोई एक रेंज स्पेसिफाई करोगे फॉर एग्जाम्पल किसी एक रेस या कोई एक जेंडर की कोई हाइट मेजर करनी है तो आप फाइव पॉइंट फाइव टू फाइव पॉइंट सिक्स ऐसे करके एक रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो वो आपका कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होता है ठीक है तो मेजरली हमारे जो वेरिएबल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वेरियेबल क्लियर है जैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज होंगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वैल्यू भी वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज होती रहेगी फॉर एग्जाम्पल इन स्टडिंग द एजुकेशन लेवल ऑफ एन एरिया एजुकेशन लेवल इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करता है ऑन अदर वेरिएबल्स ठीक है लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी एक रिसर्च uh, में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बन सकता है फॉर एग्जांपल अगर आपको डिटरमिन करना है द कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो एजुकेशन यहाँ पे क्या होगा एजुकेशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा क्योंकि आप इसे मेजर क्या कर रहे हो आउटकम आपका क्या है आपको अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करनी है तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है और यहाँ पे एजुकेशन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो क्योंकि यहाँ पे आप एजुकेशन लेवल को मैनिपुलेट करोगे जैसे इस एग्जांपल में आपने पेरेंटल इनकम स्कूल अवेलेबल वगैरह को मैनिपुलेट किया था किसी भी में अब पहले, अब के उसको पता चाहिए कि वो मेजर करने, करने वाला है और फाइनली किस चीज़ को मेजर करेगा उसके बाद उसको उसमें देखना है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इनडिपेंडेंट है फाइन नेचुरल साइंस में काफी ईजी है कंट्रोल करना आप इजिली जैसे टेम्परेचर प्रेशर इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन सोशलॉजी में डिफिकल्ट है बिकॉज यू आर डीलिंग विद एक्चुअल ह्यूमन बींग्स हैविंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस फाइन तो स्टैब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल इज ईजी इन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स वो नेचुरल साइंस में ही पॉसिबल है चेंजिंग वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्विंग इफेक्ट ऑफ दीज ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल ये नेचुरल साइंस में ईजी है लेकिन सोशलॉजी में डायरेक्ट कंट्रोल्स आर नॉट अवेलेबल एंड इंस्टेंट मैथर्ड्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन आर यूज ठीक जो मैथड है यूज टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज ऑल्सो नोन एज मल्टीवेरिएट और वेरिएबल एनालिसिस ये मैंने पहले भी कहा है मल्टीवेरिएट में आपके एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं जैसे आप एक वेरिएबल को कॉन्स्ट आपने रखा और बाकी सारे वेरिएबल्स को आप मेजर करोगे फिर आपने दूसरे वेरिएबल को कॉन्स्टेंट रखा और बाकी जो लेफ्ट आउट वेरिएबल्स हैं उनको मेजर करोगे ये दुर्खेम ने यूज किया था अपनी स्टडी ऑफ सुसाइड में तो इन्होंने इसे डिफरेंट वेरिएबल्स लिए थे मल्टीवेरिएबल्स रिलीजन जेंडर मैरिटल स्टेटस वगैरह तो एक एक को कॉन्सेंट रख के बाकी सारी चीजें इसमें मेजर की गई थी वो मल्टीवेट एनालिसिस होते हैं ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है मॉडर्न मेथड जैसे रिग्रेशन एनालिसिस स्क्वायर टेस्ट वगैरह भी यूज हो सकते हैं लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा होते हैं आपके सोशोलॉजी में ज्यादा यूज नहीं होते हैं तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ सैम्पलिंग सैम्पलिंग देख लो सिंपल टर्म्स में क्या होता है जब आपको कोई रिसर्च करनी होती है ठीक है तो आपके लिए एक टारगेट पॉपुलेशन होगी क्योंकि इतने सारे लोग हैं दुनिया में आप हर किसी को तो अपना सैंपल नहीं बना सकते दैट मीन हर किसी पे तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना होता है एक अपनी जो आपकी पॉपुलेशन है सेट ऑफ जिसमें आप रिसर्च चाहते हो करना उसमें से आप एक सैंपलिंग फ्रेम निकालते हो कुछ लोग उसमें से सिलेक्ट करते हो और इस सैंपलिंग फ्रेम में से फिर आप अपना सैंपल निकालते हो जिसपे आप रिसर्च करोगे बाद में उस रिसर्च को क्या किया जाता है उस रिसर्च को फिर जनरलाइज किया जाता है जनरल लॉज बनाए जाते हैं ठीक है तो सैम्पलिंग होता क्या है बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम अ लार्जर होल और यूनिवर्स ऑफ आइटम्स में से हम लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो चूज करते हैं सैम्पलिंग इज यूज एज अ टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन ये हमें पता है इन सोशोलॉजिकल रिसर्च वैन पॉपुलेशन आर लार्ज एंड इट इज इधर नॉट इकोनॉमिकल और फिजिबल टू कलेक्ट द डेटा ऑफ द होल पॉपुलेशन क्लियर मैंने पहले भी कहा कि आप पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते हो इस वजह से आप एक सैम्पलिंग फ्रेम निकालते हो और वहाँ से आप अपना सैम्पल सेलेक्ट करते हो जब सैम्पलिंग फ्रेम आपने निकाल लिया फिर आप सैम्पलिंग मेथड स्पेसिफाई करोगे ठीक है सैम्पलिंग के दो टाइप्स होते हैं प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी क्या होता है जिसमें जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें हर एलिमेंट का कोई चांस होता है सिलेक्ट होने का वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हुआ फिर कई बार ऐसा होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं होती है तो वहाँ पे जो टाइप ऑफ uh, हम सैम्पलिंग करते हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वही हम आगे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैंने क्या कहा एवरी एलिमेंट इन दी सेम सैम्पल पॉपुलेशन हैज़ द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड मींस हर जो एलिमेंट है उस पॉपुलेशन का जो सैम्पल का हर आइटम है ऑब्जेक्ट है उसके पास चांस होता है सिलेक्ट होने का अपनी आ, इस रिसर्च कंडक्ट करवाने के लिए ठीक है इट इन्श्योर कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ईच आइटम की हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन एज ईच आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड ठीक है इसके कुछ टाइप्स हैं लॉटरी और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है जो आप बिल्कुल ही रैंडमली अपना जो पॉपुलेशन ये सैम्पल फ्रेम है बिल्कुल आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो ठीक है जैसे आप यूज कर सकते हो कंप्यूटर एल्बॉर्स एक रैंडम सैम्पल सिलेक्ट करने के लिए हाई डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है इसमें एंड इट इज अ ट्रू प्रोबिलिटी सैम्पलिंग सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग क्या होता है इसमें सैंपल सिलेक्ट होता है लेकिन किसी एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया पे होता है फॉर एग्जाम्पल आपने एक डिफाइन कर दिया क्राइटेरिया की हर टेंथ मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन जो है दे विल बी पिक्ट अप फॉर अ सैंपलिंग एक्सरसाइज तो आप एक सैम्पल फ्रेम बनाओगे उसमें आप हर टेंथ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन जो होगा उसको सिलेक्ट करोगे फॉर एग्जाम्पल आपके पास वन टू हंड्रेड है यहाँ पे पॉपुलेशन सेट उसमें से हर टेंथ हो गया टेंथ हो गया ट्वेंटी हो गया थर्ट हो गया फोर्टी फिफ्टी सिक्सटीथ ठीक है जो जो हर टेंथ मेंबर है उसको आप सिलेक्ट करोगे तो इसमें एक प्री डिफाइंड क्राइटेरियन हुआ ना एवरी टेंथ मेंबर को सिलेक्ट करना तो इसमें उतनी डिग्री ऑफ रैंडमनेस नहीं होती है जितनी सिंपल रैंडम सैंपलिंग में होती है ठीक है आगे देख लेते हैं स्टार्टफाइड सैंपलिंग ये भी सॉरी ये भी सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग पे आप बोल सकते हो एक रिफाइंड टेक्निक है और रैंडम सैंपलिंग पे फाइन इसमें क्या होता है एनहेंस रिप्रेजेंटेशन है आपके जो भी आइटम है उनकी रिप्रेजेंटेशन होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि नो स्टार्टअम ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सक्लूडेड इसमें कोशिश की जाती है कि हर स्टार्टअप जो है हर ग्रुप है उसको इंक्लूड किया जाए कुछ कॉमन स्टार्टा जो है डिफाइन इसमें जैसे एज हो गया जेंडर रिलीजन एजुकेशन अटेनमेंट सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड नेशनैलिटी कि जब भी आप अपना सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो ये कोई क्राइटेरिया आप दिमाग में रखो कि एक पर्टिकुलर एज से भी लोग हों एक जेंडर से भी हों पर्टिकुलर रिलीजन के भी हों सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी आप देखो और नेशनैलिटी के भी एक ग्रुप दिमाग में रखो वाइज सेलेक्टिंग योर सैंपल तो इसमें आप बोल सकते हो रैंडम सैंपलिंग से थोड़ा रिफाइंड है इसमें आप जो जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग में कोई प्री डिफाइंड क्राइटेरियन था यहाँ पे जो प्री डिफाइंड क्राइटेरियन है वो ज़्यादा रिफाइंड है और इलाबरेटिव है तो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग जो इट इज यूज वेन द रिसर्च वॉन्ट्स टू हाईलाइट स्पेसिफिक सब ग्रुप विद इन द पॉपुलशन हाईलाइट करना चाहते हैं कुछ सब ग्रुप्स को जैसे इनको और इसमें आप अगर सब ग्रुप्स को कंपेयर करना चाहते हो दो डिफरेंट सब ग्रुप्स को जैसे आप रिलिजेंस को कंपेयर कर लो तो वो भी uh, सर्टिफाइड सैम्पलिंग उससे भी इजी हो जाती है फाइन इसमें सैम्पलिंग एरर है वो भी कम हो जाता है क्योंकि चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड और रिप्रेजेंटेशन uh, इसकी आपके आइटम्स की वो इंक्रीज हो जाती है लेकिन ये मेथड काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है समझने में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो एक्चुअली जब आप ऑन ग्राउंड ये प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि ये कॉम्प्लिकेटेड होगा थोड़ा टली सेम होंगे एज के बेसिस पे ग्रुप ए, तो आप एज, तो बेसिस पे ग्रुप निकालोगे कोई एक एज ग्रुप होगा कोई एक एज ग्रुप होगा लेकिन अब अक्रॉस द स्टेटा करोगे अगर आप जेंडर देखोगे तो यहाँ पे ये एज है तो ये सारा ग्रुप होमोजीनियस होगा जेंडर सारा होमोजीनियस होगा लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे करके देखोगे एज आ गया जेंडर आ गया रिलीजन आ गया तो अक्रॉस द स्टेटा आपको हेटीरोजिनिटी मिलेगी दैट मीन अक्रॉस द स्टेटा डिफरेंट होंगे वर्टिकली अगर आप इनको देखोगे डिफरेंट होंगे एज अलग आ गया जेंडर अलग आ गया रिलीजन अलग आ गया लेकिन अगर आप इसको अक्रॉस ऐसे हॉरिजोंटल देखोगे एज के अंडर अलग ग्रुप्स होंगे जेंडर के अलग अंडर अलग ग्रुप्स होंगे तो वहां पे आपको होमोजेनिटी मिलेगी स्ट्रेटम में ठीक है एक ग्रुप में होमोजेनिटी मिलेगी लेकिन अक्रॉस द ग्रुप्स ये डिफरेंट है सिंपल सी चीज है बस थोड़ा वर्ड समझने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा एडवांटेजेस है इंक्लूड हाई डिग्री ऑफ प्रेसेशन इसमें ज्यादा होती है एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है डिसएडवांटेज है इट इज डिफिकल्ट टू अप्रोप्रिएट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट स्टेटा फॉर ए स्टडी वो डिफिकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफाई करना आपके लिए आपका ग्रुप एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट इट इज मोर कॉम्प्लेक्स टू ऑर्गेनाइज और एनालाइज करना एज कम्पेयर टू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिंपल रैंडम ईजी है रैंडमली सिलेक्ट करो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है सिंपल आप क्या करोगे जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसके आप कुछ ग्रुप्स बना लेते हो ए बी सी डी जी एच ग्रुप बना लिया फिर रैंडमली आपको एक क्लस्टर सिलेक्ट करोगे अब ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में थोड़े हाइटीरोजिनस होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए मतलब पॉपुलेशन जो है अलग अलग स्टेटा से आप इसमें इंक्लूड करोगे पॉपुलेशन सेट बाद में फिर रैंडमली कोई एक ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे अगर आप यहाँ पर डायग्राम भी देख लो सिंपल रैंडम सिलेक्ट हुआ है स्ट्रेटिफाइड देख लो यहाँ पे पहले दो के बाद वाला एलिमेंट है फिर तीन के बाद वाला एलिमेंट है फिर अगेन तीन के बाद वाला एलिमेंट है तो एक प्री डिफाइंड कुछ आपको मिल रहा होगा और क्लस्टर में आपने क्या किया है पॉपुलेशन को पहले क्लस्टर हो गया ग्रुप ग्रुप चार बना ली और फिर रैंडमली कोई एक ग्रुप आपने पिक किया तो वो आपका क्या होता है क्लस्टर सैम्पलिंग ये क्लस्टर्स या एरिया बेस्ड आप ग्रुप्स बनाओगे या एट डिफरेंट टाइप्स तो ये स्पेशल होता है और टेम्पोरल होता है मल्टी स्टेज भी हो सकता है पहले स्टेट लेवल सैम्पलिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉलोड बाई ब्लॉक लेवल एंड सो ऑन आप पे कर सकते हो चीप है क्विक है इजी है इनस्टेड ऑफ सैंपलिंग दी एंटायर कंट्री आप क्या करोगे कुछ एक ये बना लोगे ग्रुप्स बना लोगे और फिर रैंडम सेलेक्ट करोगे कुछ क्लस्टर्स को उन कुछ ग्रुप्स को रैंडमली आप सेलेक्ट करोगे रिसर्चर के पास लार्जर सैंपल्स हो सकते हैं देन इफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से लार्जस्ट सैंपल होते हैं इसमें क्योंकि ऑब्वियसली आपने पहले ग्रुप्स बनाए है, हैं ग्रुप में इंक्लूड है अलग अलग मेंबर्स, तो फिर आप रैंडमली कोई ग्रुप सेलेक्ट करो दैट मीन्स जो ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स हैं वो आप सैंपल बनेंगे तो सैम्पलिंग साइज जो है वो लार्जर है तो प्रेसिशन अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगी

दिस इज कॉस्ड बाई द लिमिटेड क्लास्टर्स इंक्लूड इन दी सैम्पल ठीक देर इज ऑल्सो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी होती है क्लास्टर्स एंडम सैम्पलिंग एंड क्लास्टर सैम्पलिंग की डिफरेंस आपकी स्टार्टिफाइड सैम्पलिंग हो गई एनहांस करने के लिए रिप्रेजेंटेशन को यूज किया जाता है इसको यूज किया जाता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए पॉपुलेशन शुड भी हेटीरोजीनस अक्रॉस दी स्ट्रेटा बट होमोजीनियस इन दिसम फाइन और यहाँ पे पॉपुलेशन शुड भी हेटीरोजिनियस इन क्लस्टर्स समझ में आ गया जैसे मैंने कहा था एज जेंडर तो द एकटा ये क्या है अक्रॉस द स्ट्रेटा हेटीरोजीनियस है लेकिन वो स्ट्रेटा के विदिन ही होमोजीनियस है एक ही कोई एज ग्रुप्स है तो डील एज के साथ ही कर रहा है तो होमोजीनियस हुआ यहाँ पे एक क्लस्टर में जो एलिमेंट्स हैं ये हेटीरोजीनियस हैं फिर आप रैंडमली किसी एक क्लस्टर को पिक कर रहे हो जिसमें आपको फिर हेटीरोजीनियस एलिमेंट दैट मीन डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे होमोमीन्स सेम और हेटीरोमीन्स डिफरेंट ठीक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गई जहाँ पे आप रैंडमली रैंडमनेस नहीं हो सकती प्रॉबेबिलिटी हर किसी को रिप्रेजेंट करने की अपने रिसर्च में वो बहुत कम होती है तो वहाँ पे आप नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हो फॉर एक्जाम्पल कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग दैट मीन जो आपके सबसे क्लोजेस्ट है उसको आप सिलेक्ट करो फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल की स्टडी कर रहे हो तो जो स्कूल आपके सबसे नजदीक है आप वही पिक करो तो ये रैंडम सैम्पलिंग हो गई पर्पोजिव सैम्पलिंग हो गया जहाँ पे ऑलरेडी कुछ आपके दिमाग में प्री डिफाइंड सेट होगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्री डिफाइंड होंगे कि आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए अपने सैम्पल के लिए फॉर एग्जांपल मेल पॉपुलेशन से आपको सैम्पल लेना है बिटवीन फोर्टी टू फिफ्टी ईयर्स कैन बी टारगेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ठीक है जिसने आपका टारगेट पहले से डिफाइंड है मेल पॉपुलेशन है बिटवीन फोर्टी टू फिफ्टी ईयर्स

फोर्टी परसेंट फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी परसेंट और सिक्सटी परसेंट ठीक तो ये आपकी कोटा सैम्पलिंग होगी स्नोबॉल सैम्पलिंग होगी जो ऑलरेडी एक टारगेटेड सैंपल है वहां से आप स्टार्ट करो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रग अब्यूज पढ़ रहे हो तो ड्रग अब्यूज का कहीं पे कोई सर्वे हुआ होगा थोड़ा बहुत तो वो सर्वे ऑफ ड्रग एडिक्ट आप ऑलरेडी लोगे और वहां से आप अपना जो है रिसर्च अपना जो सैंपल है बनाना शुरू करोगे तो वन थिंग लीड्स टू द अनदर स्नोबॉल सैम्पलिंग में तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है इज द एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ द टारगेटेड सैंपल It is useful when target population cannot be easily located. इन दिस वन एंटिटी लीड्स दी इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर एंटिटीज इन अ चेन रिएक्शन फैशन कि एक जगह से आपको दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन मिले अगर आप जेलर्स को स्टडी कर रहे हो आप किसी एक जेल में जाओ वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि दूसरे जेल में जाके आपको अपना सैंपल कलेक्ट करना है तो वो सारी चीजें स्नोबॉल सैम्पलिंग में होती हैं अब सैम्पलिंग प्रोसेस में कुछ एरर्स भी आपको मिलते हैं सैम्पलिंग एरर बोला जाता है और नॉन सैम्पलिंग एरर बोला जाता है सैम्पलिंग एरर हो गया फॉर एग्जाम्पल आपने ओवर कवरेज कर ली अंडर कवरेज हो गई या आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला या आपका सब्जेक्ट बायस था उस पॉपुलेशन में फाइन और नॉन सैंपलिंग एरर हो गए जहां पे मेथड में कुछ गड़बड़ हो तो टेक्निकल मिस्टेक हो जैसे मिस्टेक इन डिजाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ठीक है इन मिस्टेक्स इन डिजाइन आपके सैम्पल बनाने के डिजाइन और आपने जो मेथड यूज किया है उसमें कोई एरर हो तो वो नॉन सैंपलिंग एरर होता है फाइन तो ये हो गया आपका सैम्पलिंग आगे चलते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है बेसिकली टेंटेटिव स्टेटमेंट है या आप इसको एक एजुकेटेड गेस भी बोल सकते हो जो पहले आप एक स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करोगे फिर उसी अराउंड या तो आपकी रिसर्च होगी या तो फिर आप हाइपोथेसिस को सही प्रूव करोगे या उसको गलत प्रूव करोगे ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रिसर्च है आप कोई मैरिटल ब्रेकडाउन का रिसर्च कर रहे हो और आप एक हाइपोथेसिस है आपका कि मोस्ट मॉडर्न फैमिलीज आर सींग इंक्रीज इंसिडेंसेस ऑफ मैरिटल ब्रेकडाउन, ठीक है तो मॉडर्न फैमिलीज और मैरिटल ब्रेकडाउन आपके वेरिएबल्स हो गए और ये आपका क्या हो गया हाइपोथेसिस एक वाइल्ड गेस्ट भी नहीं होता है एजुकेटेड गेस्ट होता है जो किसी ना किसी रिसर्च पे या आपके जो पुराने आपकी नॉलेज है उस पर बेस्ड होगा ठीक है तो फिर उसको आप या तो सही प्रूव करोगे गलत प्रूव करोगे इसके अकॉर्डिंग आपकी रिसर्च बनेगी तो हाइपोथेसिस से क्या होगा बेसिकली देखो जब आप रिसर्च करोगे अगर आपको यही मैरिटल ब्रेकडाउन का करना है तो काफी एक वाइड चीज है वाइड एरिया है फील्ड है तो आप किस किस डायरेक्शन में भागोगे तो हाइपोथिसिस से क्या होगा नैरोडाउन हो जाएगी आपकी रिसर्च डाउन हो जाएगी आपकी रिसर्च और आपकी रिसर्च को एक डायरेक्शन मिलेगा अब आपको आपको पता होगा आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो टर्म्स में सोचो कि ये एक मैप है जो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको फाइनली क्या आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए अब आप रैंडमली ऐसा नहीं है भागोगे फाइन आपको पता चल रहा है कि आपको किस किस डायरेक्शन से आपको जाना है अपने एंड गोल के लिए तो टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो फॉर्मुलेट करता है प्रोसाइज एंड डेफिनेट रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स ठीक है वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया है एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट है ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी प्रूव हो गई है उसको उठा के आप अपना हैपोथ बनाओ इसको आपको फर्दर टेस्ट करना है अपनी रिसर्च में एंड इट एवेट्स वैलिडेशन ठीक है लाइक अदर डिसिप्लिन सोशोलॉजी जो है ऑल्सो रिक्वायर्स फॉर्मुलेशन ऑफ थियोरीज चाहिए सोशोलॉजी को क्योंकि आप जो भी रिसर्च बना रिसर्च अपनी करोगे फाइनली क्या करोगे थ्योरी बननी चाहिए ताकि फिर आगे रिसर्चेस में काम आए और हाइपोथेसिस जो है ये थेराइजिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये एक एजुकेटेड गेस्ट है बेस्ड ऑन प्रीवियसली प्रीवियसलीटेड नॉलेज दैट मीन वाइल्ड गेस्ट नहीं होगा अबाउट अ गिवन स्टेट ऑफ अफेयर्स पुट इन कंक्रीट टर्म्स एंड टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर दल टेस्टिंग फाइनली आप एम्पेरिकल टेस्टिंग एक इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा कि कहाँ से आपको जाना है तो एवरी हाइपोथिस स्प्रिंग्स फ्रॉम द यूनियन ऑफ नॉलेज एंड सिगेसिटी ये किसने कहा था स्टेपिंग ने कहा था अगर आप चाहो तो डेफिनेशन एज इज लिख सकते हो हाइपोथेसिस शुड रीजनेबली शो द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स आपको क्या पता चलता है इंटरकनेक्शन क्या है उन वेरिएबल्स के बीच में ये आपको अपने हाइपोथेसिस से पता चलेगा फॉर एग्जांपल अगर रिसर्चर है ऑब्जर्व द नंबर ऑफ मेरिटल ब्रेकडाउन गोज आप एज वन ऑब्जर्व द राइज इन टोटल फैमिली इनकम फाइन तो टोटल फैमिली इनकम और मेरिटल ब्रेकडाउन क्या है आपके वेरिएबल्स में अब इस हाइपोथिस में आपको क्या करना है इन वेरिएबल्स को अब आपको इनका रिलेशन डिटर्मिन करने की कोशिश करनी है हाइपोथेसिस जो है एम्स एट फाइंडिंग इंटर कनेक्टनेस बिटवीन दी इन दी सेंटेंस ठीक हाइपोथेसिस इंडक्टिव होता है डिडक्टिव होता है रिसर्च होता है डायरेक्शनल होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपो

ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स के लिए पढ़ोगे तो आपका स्कोर एग्जाम हा स्कोर हाई होगा तो एक डायरेक्शन है नॉन डायरेक्शन को हम टू टेल्ड हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसमें आपको डायरेक्शन नहीं मिलती है सिर्फ Uh, जो वेरिएबल्स है उसके बीच का एक रिलेशनशिप आपको पता होता है फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन स्टडी एंड योर एग्जाम स्कोर्स इसमें आप ये नहीं बोल रहे हो पहले से जैसे इसमें डिटर्मिन था डायरेक्शनल में कि आप ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स पुट करोगे और आपका एग्जाम स्कोर ज्यादा होगा वो डायरेक्शनल में बोल रहे हो नॉन डायरेक्शनल में सिर्फ बोल रहे हो कि देर अ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स एंड योर एग्जाम स्कोर्स ठीक है तो इसमें आपको सिर्फ एक हाइपोथिस रिलेशन डिटर्मिन कर रहा है और उसमें आपको डायरेक्शन भी बोल रहा है फाइन तो ये आपका हो गया नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल अब अच्छे हाइपोथेसिस के कुछ प्री रिक्विज या कुछ कंडीशन होती हैं सिंपल होना चाहिए फॉर्मुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए इजिली आप उसको डिफाइन और वेरिएबल जो है समझ में आने चाहिए सबको रीजनिंग और प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन पे बेसिस होना चाहिए वाइल्ड गेस नहीं होना चाहिए एक एजुकेटेड गेस होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपकी जो मर्जी है या आप उठ के एक स्टेटमेंट बनाओ नहीं आपके पास कोई प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप कोई आप हाइपोथेसिस जो है अपना बिल्ड कर रहे हो ये मॉरल जजमेंट्स पे सिर्फ बेसिस बेस्ड नहीं होना चाहिए आपके आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स हैं फर्दर आप उनको कैसे मेजर करने वाले हो आपके पास कोई uh, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए अपना हाइपोथिस पुट फॉरवर्ड करने के लिए स्पेसिफिक और प्रोसाइज होना चाहिए ठीक है और ये डायरेक्शनल होना चाहिए आपकी इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करना चाहिए ऑन द राइट ट्रैक दैट मीन्स फॉर्मुलेशन की सही होनी चाहिए ये क्लैरिफाई करना चाहिए स्कोप ऑफ इंक्वायरी ये लीड करना चाहिए टू दी डिस्कवरी ऑफ जनरल लॉज क्योंकि इसके बाद आपको क्या होगा नेक्स्ट स्टेप आपको जनरलाइजेशन करनी है आपको लॉज बनाने ताकि जो रिसर्च आपने की है वो बाकी रिसर्चर्स uh, के भी कहीं ना कहीं काम आए इट शुड एक्सप्लेन दी जनरल फिनमिना एंड नॉट दी एक्सेप्शन ठीक है तो जनरल फिनोमिना एक्सप्लेन करना चाहिए यानी जो एक्सेप्शनल चीजें हैं उनको बैठ लेके आप रिसर्च करना शुरू करो तो जनरल फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन करना चाहिए ये टेस्ट कर पाने चाहिए और टेस्टेबिलिटी टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट होनी चाहिए ऐसा नहीं कि ऐसा हाइपोथिस बना

ये प्रूव करता है कि को रिलेशन शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ अदर ऐसा नहीं आप हवाई बातें नहीं कर रहे हैं वो दो टाइप के हाइपोथेसिस बनाता है एक को नल हाइपोथेसिस बोलते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस कहता है कि वेरिएबल उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है अल्टरनेट इसका ऑपोजिट कहता है कि रिलेशनशिप है फॉर एग्जांपल अगर आप को कोई मेडिसिन है लेनी है कोई मेडिसिन की रिसर्च करनी है मेडिसिन का इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ठीक है तो ये नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि कोई इम्पैक्ट नहीं है उनके बीच में दैट मीन्स कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है उस मेडिसिन से और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि इम्पैक्ट है कोई रिलेशनशिप है उन... वेरिएबल्स का ठीक no है नल हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस दैट दैट स्टेट्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वन और टू फिनोमेना की रिलेशनशिप अंडर इन्वेस्टिगेशन है दैट मींस जो मेडिसिन अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है पॉपुलेशन पे एग्जांपल आपको साथ साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपकी चीजें क्लियर नहीं होंगी फाइन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज द नेम ये नेटिव है नल हाइपोथेसिस का ये कहता है देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशन के हाँ मेडिसिन का कुछ ना कोई इम्पैक्ट उस पॉपुलेशन पे पड़ रहा है हाइपोथेसिस टेस्ट करने के टाइम कुछ रिजल्ट्स आपके गलत आ सकते हैं वो कैसे आएंगे वो हम इस टेबल से समझते हैं हमारे पास दो टाइप के एरर 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 हैं टाइप टाइप एंड ठीक है टाइप 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 एरर 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 को फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं और ये आपका फॉल्स नेगेटिव हुआ फॉल्स नेगेटिव या आपका फॉल्स पॉजिटिव ये होता है जब आप रिजेक्ट करो एक नल हाइपोथेसिस को लेकिन वो एक्चुअली में ट्रू हो हम एग्जाम्पल से देते हैं यहाँ पे डिफरेंस और नो no डिफरेंस लिखा है इसको ईजी करने के लिए डिफरेंस मीन्स इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन नो डिफरेंस मीन्स नो इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन ठीक है अगर आपका नल हाइपोथेसिस सही है ठीक है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है मेडिसिन uh, का और आपने उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया तो आपने करेक्ट डिसीजन बनाया लेकिन अब अगर आप क्या कर रहे हो आप बोल रहे हो कि कोई डिफरेंस इंपैक्ट नहीं पड़ा है मेडिसिन का ऑन पॉपुलेशन और आप इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो तो ये आपका टाइप वन एरर आ गया आपने क्या किया फॉल्स पॉजिटिव दे रहे हो आप कि कोई इम्पैक्ट नहीं है मेडिसिन का पॉपुलेशन पे ये चीज सही है इसको एक्सेप्ट करो तो वो करेक्ट डिसीजन हुआ कोई इम्पैक्ट नहीं है मेडिसिन का पॉपुलेशन पे ये चीज गलत है इसको आप रिजेक्ट कर रहे हो तो वो आपका एरर बन गया क्योंकि ये चीज एक्चुअली में सही है आपको इसको एक्सेप्ट करना है ठीक है अब difference means impact of medicine on population. अब डिफरेंस ऑफ मेडिसिन ऑन पॉपुलेशन अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मेडिसिन का इम्पैक्ट है पॉपुलेशन पे तो आप इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हो इस नल हाइपोथेसिस को तो आपका करेक्ट डिसीजन है क्योंकि हमारे पास रिजल्ट क्या आया है नल हाइपोथेसिस है ये कि इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है मेडिसिन का उस पॉपुलेशन पे अब अगर बोल रहा है कि इम्पैक्ट ऑन मेडिसिन ऑन पॉपुलेशन आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो ठीक है कि ये चीज बता रही है कि हाँ मेडिसिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है मेडिसिन का आपने इस चीज को रिजेक्ट किया करेक्ट क्योंकि रियलिटी में क्या है कोई इम्पैक्ट नहीं है अब अगर यहाँ बोल रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन पॉपुलेशन है ठीक और आप इसको, इसको रिजेक्ट तो ले रहे, ले रहे नहीं है कोई इम्पैक्ट नहीं है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप फॉल्स नेगेटिव फॉल्स जो है उसको ले रहे हो ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसको थोड़ा स्पीड स्लो करके ऑन लूप एक दो बार सुनो आपको क्लियर हो जाएगी एग्जाम्पल के साथ Fine. टाइप वन एरर हो गया रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू यहाँ पे जैसे आप ये चीज ट्रू है और ये चीज फॉल्स है ठीक है ट्रू को आप रिजेक्ट कर रहे हो तो टाइप वन एरर और ट्रू को आप एक्सेप्ट कर रहे हो करेक्ट डिसीजन फॉल्स को आप रिजेक्ट कर रहे हो करेक्ट डिसीजन फॉल्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो टाइप टू एरर सिंपल ठीक है तो यहाँ पे इसको स्टैटिस्टिकल टर्म्स में सिग्निफिकेंस लेवल बोला जाता है ये प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो जनरली कॉल्ड एल्फा टाइप टू एर फॉल्स नेगेटिव जबर्च हो फेल्स टू रिजेक्ट नल दैट इज एक्चुअली फॉल्स आप रिजेक्ट नहीं करना चाहते हो उसको लेकिन एक्चुअली में फॉल्स ये तो इसको बीटा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग इट इज बीटा कि कितने परसेंट बीटा है दैट मींस कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है इसको कमिट करने की द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग इसको बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट किसका पावर ऑफ द टेस्ट हाई है दैट मींस आपकी प्रोबेबिलिटी इसको नहीं कमिट करने की हाई है ठीक तो आगे देखते हैं सोशोलॉजी में ये फॉर्मलेन एंड टेस्टिंग जो है वो डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे आप नेचुरल साइंस के साथ डील नहीं कर रहे हो आप एक्चुअली सोसाइटी के साथ डील कर रहे हो तो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं सिमिलरली वे डिफिकल्ट टू प्रिसाइजली डिफाइन कि किन्नाल और ऑल्टरनेट हाइपोथिस को इन एबसेंस ऑफ कंक्रीट पैरामीटर्स फॉर एग्जाम्पल अगर रिसर्च टेस्ट करना चाहें रिलेशनशिप बिटवीन मेटल ब्रेक डाउन एल्कोहलिज्म द रिसर्चर कैन नेवर बी श्योर ऑफ द को रिलेशन एज बोथ इंटर्न डिपेंडे लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एंड अ वेरी पर्सनल इन नेचर ठीक है क्योंकि कोई कंक्रीट पैरामीटर्स नहीं है कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं है अगर आप मैरिटल ब्रेकडाउन और अल्कोहलिज्म का रिलेशनशिप देख रहे हो तो आप डिस आप मतलब श्योरिटी के साथ ये रिसर्च कैसे कर सकते हो कि हाँ अल्कोहलिज्म की वजह से हो रहा है क्योंकि अल्कोहलिज्म माइट भी वन ऑफ दी फैक्टर्स बट नॉट द मेन फैक्टर आप कितना परसेंट इन्वॉल्व है ठीक है तो इसमें अल्कोहलिज्म में फिर आगे जेंडर तो किस वाले जेंडर से ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो सकती है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें इसमें नहीं है इसलिए सोशोलॉजी में थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है सोशलॉजिकल रिसर्च में वेरियस अदर फैक्टर्स भी इसको इम्पैक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लेसिबो इफेक्ट एंड हॉथ इफेक्ट हॉथ इफेक्ट मैंने पहले बताया है कि अगर सेटिंग फॉर एग्जाम्पल ऐसी रिसर्च हुई थी कि अगर आप uh, फैक्ट्री uh, जो एम्प्लॉयर्स हैं फैक्ट्री एम्प्लॉइज फॉर एग्जांपल आपके जो लेबर्स वगैरह हैं वो काम कर रहे हैं फिर आप कुछ चेंज करो सेटिंग में आप उनको ऑब्जर्व करो काम करते हुए या लाइटिंग चेंज करो टेम्परेचर चेंज करो फिर देखो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है ये हो होता है प्लेपो इफेक्ट पता है क्या होता है इंटरेस्टिंग है अगर किसी इंसान को पता होगा कि उसको तो क्रोसिन खाने से सर में दर्द ठीक होता ही होता है वो हंड्रेड परसेंट श्योर है नेक्स्ट टाइम आप उसको कुछ भी नहीं करो कोई वाइट कलर का चॉकलेट छोटा सा कोई पोलो वगैरह जैसा ऐसा दे दो मिंट कोई खिला दो फिर बोलो ये क्रोसिन है उसको पता होगा दिमाग में कि मैंने क्रोसिन ही खाई है तो उसको एक्चुअली उसका इम्पैक्ट होगा उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ है कि क्रोसिन से मैं ठीक हो जाता हूँ फिर क्रोसिन की जगह आप उसको कुछ भी उसके फॉर्मेट में कैंडी खिला दो बोलो कि ये क्रोसिन है तो उसको फ़र्क हो जाएगी उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा इसको प्लेसिबो इफेक्ट इफेक्ट बोलते हैं तो इससे भी हाइपोथेसिस पे इंपैक्ट पड़ता है साइंटिफिक हाइपोथेसिस हाइपोथिस नॉट बी फॉर्मुलेटेड इन सोशलॉजी ये आपके इंटरप्रिटेस्ट ने बोला था इन सोशलॉजी एज दे आर लाइक टू बी बीटामिनेटेड बाई वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स ठीक है क्योंकि हाइपोथेसिस साइंटिफिक ऐसे फॉर्मुलेट करोगे हाइपोथेसिस तो चलो रिसर्चर खुद बना रहा है तो कहीं ना कहीं बायस तो बहुत स्टार्टिंग से ही आ गया ना तो वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टिगेटर सिर्फ आपका हाइपोथेसिस ही कंटामिनेट हो जाएगा स्टार्टिंग से ही तो आपके आगे रिसर्च का क्या होगा तो ये आपके इंटरप्रिटिव का कहना है फाइन तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की तरफ चलते हैं लास्ट टॉपिक है सिंपली पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी होता क्या है फिर देखते हैं बुक में क्या लिखा है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी वैलिडिटी होता है कि अगर आपकी रिसर्च वैलिडिटी हाई है दैट मीन्स आपका जो डिजायर्ड गोल था वो किस हद तक अचीव हुआ ठीक है और रिलायबिलिटी होता है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट एक बार ही कर लिया एक पॉपुलेशन पे फिर आप दूसरे टाइम पे करो दो साल बाद करो या आप दूसरे मेथड से करो तो बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट को टाइम और जगह या कोई भी चीजें चेंज करके या टूल्स ऑफ मेथड चेंज करके तो क्या बार बार आपको सेम रिजल्ट आएगा अगर सेम रिजल्ट आएगा तो रिसर्च उतनी ही ज़्यादा रिलायबल है वैलिड है अगर आपका डिजायर्ड गोल जो था वो काफ़ी हद तक आपका अचीव हो गया है तो वो आपकी वैलिडिटी हो गई ये मेजर करते हैं करेक्टिवनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन रिलायबिलिटी लीड्स टू रेपिटेशन ऑफ द सेम रिजल्ट वाई लाइज वैलिडिटी इज अ डिग्री ऑफ मीटिंग द डिजायर्ड गोल ठीक है रिलायबिलिटी टेम्पोरल रिलायबिलिटी डिफरेंट टाइम्स पे आप मेजर करो उसको कंपेरेटिव रिलायबिलिटी आप चेंज करो टारगेट को ऑब्जर्वर को टेस्टिंग मेथड वगैरह को और देखो आप कितना हद तक आपकी जो रिसर्च है वो रिलायबल है रिलायबिलिटी के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है क्योंकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं एज ए माइंड चेंज द माइंड एज टाइम पासेज तो ये प्रॉब्लम किस में आएगी क्वालिटेटिव रिसर्च में क्योंकि जो माइंड से रिलेटेड चीजें हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है थीके? तो रिलायबिलिटी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप एक ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो वो कोई एक हरकत कर रहे हैं जरूरी नहीं हो दस मिनट के बाद उनका जो थॉट प्रोसेस है या चलो दस मिनट कम टाइम हो गया एक दो महीने के बाद उनका थॉट प्रोसेस है वो सेम रहे तो माइंड चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंगली रिलायबिलिटी आप ऐसे अचीव नहीं कर पाओगे तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड सैम्पलिंग मेथड्स जो हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं आपके जो साइंटिफिक वाले नेचुरल साइंस वाले मेथड्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं वैलिडिटी हुआ किस हद तक आपने इंटेंड रिजल्ट को जो है डिग्री किस हद किस डिग्री तक आपने इंटेंडेड रिजल्ट को अचीव किया है ठीक है एलन एन ब्राय मैंने चार कहा था इंटरनल वैलिडिटी जो अफर्म करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आपके वेरिएबल्स के बीच में एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है पर टेंट जेनरलाइज आस्पेक्ट एंड डिग्री टू विच दी रिजल्ट अप्लाई टू ए लार्जर पॉपुलेशन किस हद तक आप अपनी जो भी uh, आपका रिजल्ट है उसको आप जनरलाइज कर सकते हो और बाकी पॉपुलेशन के लिए भी वो रिजल्ट यूज कर सकते हो किस हद तक मेजरमेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इट इज कंसर्न विद द फैक्ट दैट वेदर द मेजर विच इज़ बींग एम्प्लॉयड एक्चुअली मेजर्स वट इट क्लेम्स क्या ये एक्चुअली में वैलिड है वो एक्चुअली में जो आप बोल रहे हो हम मेजर करेंगे क्या वही मेजर किया है इकोलॉजिकल है कि कितने नेचुरल सेटिंग में आपने उसको लोगे अगर आप कोई एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो या मेजर कर रहे हो कितने नैचुरल सेटिंग में आपने एक्चुअली उसको ऑब्जर्व किया है क्योंकि वैलिड रिसर्च शुड बी एज नैचुरल इन इट सेटिंग्स एज इट कैन वैलिड रिजल्ट जो है इट इज ऑलवेज रिलायबल बट अ रिलायबल रिजल्ट में नॉट बी वैलिड ठीक है वैलिड रिजल्ट जो है क्योंकि आपने डिजायर्ड जो है गोल वो अचीव कर लिया है तो हायर चांसेस हैं कि अगर आप बार बार रिपीट करो अलग मेथड से वो रिलायबिलिटी आ जाएगी लेकिन अब बार बार आपको सेम रिजल्ट आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि आपने जो इंटेंट किया था ये वही रिजल्ट है जो बार बार सेम आ रहा है ठीक है तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैलिडिटी चेंज इन टाइम as time passes variables also take different values instrumentation it refers to the effect caused by changes in measuring instrument or methods during the research selection bias theek hai his change in time means jaise aapka time change ho raha hai aage aage aap chal rahe ho to variables bhi different values le ja, le lete hain तो इसलिए validity आना मतलब desired goal अगर आपका आज कुछ है तो आपके subject ही change हो गए लोग ही change हो गए तो आपका desired goal कुछ time के बाद भी change हो सकता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इंस्ट्रूमेंटेशन है इट रिफर्स द इफेक्ट इन और द रिसर्च में तो पॉपुलेशन है वो सैम्पल जो, जो हमने सिलेक्ट किया है कि नहीं वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है मोस्ट ऑफ दोशलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है दे डोंट लीड टू कंक्रीट डेटा क्योंकि यहाँ पे कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थोड़ी मुश्किल है फाइन आप क्योंकि लोगों के साथ डील कर रहे हो तो वाइल पॉजिटिव इज पॉसिबल इन सोशोलॉजी ऑफ साइंटिफिक मेथ इंटरप्रिटिव इस चीज को डिनाई करते हैं मोस्ट ऑफ द है टेन टू ब्रश दी प्रॉब्लम ऑफ वैलिडिटी अंडर द कार्पेट एंड इंस्टेट स्पेंड दियर टाइम अक्यूमलेटिंग मोर डेटा एंड डिवाइजिंग मोर सोफिस्टिकेटेड डेटाज टू क्लेम वैलिड आउटकम्स ठीक है तो जो इंटरप्रिटिव अकॉर्डिंग टू इंटरप्रटिविस्ट ज्यादा सोशलॉजिस्ट जो है वैलिडिटी की प्रॉब्लम को ज्यादा ध्यान नहीं देते उस पर और नया नया डेटा एक्यूमुलेट करने पर और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थियोरीज बनाने पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं अब इसको ओवरकम करने के लिए टर्म्स लाइक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को यूजअली क्या करते हैं रिसर्चर्स बोलते हैं इन इनपे ज़्यादा ध्यान ही मत दो आप और ऑल्टरनेटिव चीजें जैसे ट्रासवर्दिनेस क्रेडिबिलिटी ट्रांसफरबिलिटी कन्फर्मेबिलिटी जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान दो आप टू सूट द नेचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च इन सोशोलॉजी ठीक है ओवरकम करने के लिए लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ टर्म्स लाइक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ठीक है तो दिस कम्प्लीट्स योर थर्ड चैप्टर कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें है तो मुझे कॉमेंट्स में बताएं आई मेक अ न्यू वीडियो जिसमें आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी तो इफ़ यू स्टे टिल दी एंड गिव डू गिव अ थम्स अप सब्सक्राइब करें और हम जल्दी स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर थिंकर जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो डू लाइक दिस वीडियो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड द टाइम आई वीडियो टेक हैव अ प्रोडक्स